नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। कहते हैं मौसीकी का कोई धर्म नहीं होता, यानी संगीत का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन एक भजन को लेकर इन दिनों धार्मिक संग्राम छिड़ गया है। और अगर नहीं छिड़ा है तो आज इस बात को समझ लीजिएगा कि जो कोई भी फरमानी नाज को सुनेगा उस पर फख्र करेगा, और वो लोग जो फख्र करने वालों को गालियां देंगे, समझ लीजिएगा दूसरी तरफ खड़े हो गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक गांव से निकलकर अपनी आवाज के जरिए ये लड़की जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है अपनी पहचान बना चुकी है। नाम है फरमानी नाज और उनका एक भजन है हर हर शंभो। आज सोमवार है सावन का और आज ये भजन एक बार फिर से सुर्खियों में है। जितनी दफा आप सुनेंगे उतनी दफा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आवाज की खनक को देखिए, आवाज की मजबूती को समझिए। फरमानी नाज ने प्रवेंद्र सिंह और राहुल मुल्हेड़ा के साथ मिलकर हर हर शंभो ये गाना YouTube पर लॉन्च किया। उनके इस गाने को कांवड़ यात्रा के दौरान खूब लोग पसंद कर रहे हैं और अभी भी लोग सुन रहे हैं, लेकिन धर्म के कुछ ठेकेदारों को फरमानी का ये गाना पसंद नहीं आ रहा है। उनको चिड़ मच रही है, उनको परेशानी हो रही है। गाने की वजह से फरमानी देवबंद के उलेमाओं के निशाने पर आ गई है। किस तरीके से देवबंद के मुफ्ती असद कासमी फरमानी का विरोध कर रहे हैं, अब इसे सुनिए आप। इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरण जायज़ नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरण जायज़ नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करनी चाहिए। नहीं, इस्लाम से तो खारिज नहीं होते, लेकिन जिस तरीके की हरकत उसने की है, गाना गाया है, इससे उसको गुनाह मिला है, हराम काम किया है, तो हम उसको यही मशवरा देंगे कि हराम काम से परहेज़ करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करे। अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ फरमाने वाले हैं, माफ़ फरमा देंगे। मुफ्ती असद कासमी साहब, हम भी आपको एक सजेशन देते हैं। आपकी जो ये संकीर्ण मानसिकता है, ये जो संकीर्ण सोच है, उससे आप पर्दा करें, उससे आप थोड़ी दूरी बनाए रखें। क्या मुस्लिम लड़की शिव की आराधना में भजन नहीं गा सकती? क्या मोहम्मद रफी गायक नहीं थे? इस देश में भाईचारे की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि एक मुस्लिम लड़की शिव की आराधना में भजन गाए, या एक हिंदू सिंगर किसी दूसरे धर्म की शायरी, कव्वाली, गजल या अल्लाह पाक के आगे नाक पढ़ दे, आराधना में गाना गाए। धर्म के ठेकेदारों को ये पसंद क्यों नहीं आता? आखिर फरमानी की इस शिव भक्ति से किसी को क्या परेशानी हो सकती है? क्यों फरमानी का विरोध किया जा रहा है? आज की हुंकार इसी कट्टर सोच के खिलाफ है, और मैं चाहती हूं आप इस सोच के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दें। आज बहुत ही खास मेहमान इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है फरमानी नाज। जी हाँ फरमानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। फरमानी के साथ फरमान भी है, फरमान फरमानी के भाई हैं, लेकिन इनकी आवाज में भी वही खनक, वही मजबूती है। बहुत बहुत स्वागत है फरमान आपका भी। बिलाल खान इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बिलाल आपका भी स्वागत है। अतीकुर रहमान साहब आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, इस्लामिक स्कॉलर है। निगत अब्बास आपको दिखाई दे रही है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुफ्ती साहब एक बार हमारे साथ लाइन पर जुड़ जाए, हमारे साथ जुड़ जाए, जो इस तरीके का सजेशन दे रहे थे कि उनको तौबा करनी चाहिए, हराम काम किया है। फरमानी शुरुआत आपसे कर रही हूँ, जब आपको ये पता चला कि आपने एक ऐसा गीत गा लिया है जिससे उलेमाओं को परेशानी हो रही है, पहला आपका रिएक्शन क्या था, क्या सोच जहन में आई? जी देवबंद से कोई ऐसा फतवा नहीं आया, और ना कि किसी मौलाना ने, जो अच्छे हमारे मौलाना हैं या मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने किसी ने ऐसा नहीं कहा। ये तो कुछ लोग हैं जो इस तरह के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं। बाकी हम एक कलाकार हैं, और कलाकार की हैसियत से हम अपना गाने को आगे बढ़ाते हैं और उन्हें दिखाते हैं, ताकि लोग हमसे जुड़े और एक देखे कि हम मुस्लिम होके भी हिंदुओं के भजन गाते हैं, क्योंकि हमें सभी लोग सुनते हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी, ना कि वे ये सोच के सुनते कि भाई ये मुस्लिम है हम इसके गाने क्यों सुने, या ये हिंदू है हम क्यों इनके गाए। तो हम सभी चीज़ गाते हैं, कव्वाली भी पढ़ते हैं और हमारे भक्ति सॉन्ग भी गाते हैं और फिल्मी सॉन्ग भी। ये मुफ्ती साहब ने जो आपके बारे में बोला है, और ये बात आपने अच्छी कही है, देवबंद की तरफ से किसी तरह का कोई फरमान नहीं आया है, कोई फतवा जारी नहीं हुआ, और इसीलिए हमने कहीं भी अब तक जो मैं लोगों से बातचीत कर रही थी, कहीं भी फतवा शब्द का मैंने जिक्र नहीं किया है।
क्योंकि देवबंद की तरफ से कोई फतवा नहीं आया है, लेकिन ये जो जनाबे आला हैं, जो उलेमा जिनको आप सुन रही थी, आपने सुना उन्होंने क्या कहा? जी जी, क्या कह रहे थे? बस ये कह रहे थे कि हराम है, देखो भाई इतने अच्छे अच्छे कलाकार थे इस दुनिया के अंदर, मोहम्मद रफ़ी साहब इतने अच्छे अच्छे भजन गा के चले गए कि उनकी तुलना कोई नहीं कर सकता, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, हम तो एक छोटे से गांव से निकले हुए, अब आके थोड़ा अपना करने लगे, तो वो भी इतने अच्छे कलाकार थे कि इतना अच्छा भजन गा गए, उन्होंने ये सोच के नहीं गाया या उनको ऐसा नहीं सुना लोगों ने कि हिंदुओं के क्यों गा रहे हैं, मुस्लिमों के, अब ये मुस्लिमों के हिंदू क्यों गा रहे हैं, तो वो भी एक कलाकार थे, सिर्फ यही गाते क्योंकि उन्हें भी सब सुनते थे, तो कलाकार को कोई ये करके कभी नहीं सुनता कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, वो सिर्फ उसकी कलाकारी सुनता है कि वो क्या पढ़ रहा है। क्या मैं आपको बस कुछ देर के लिए रोक रही हूँ क्योंकि बहुत सी बातें करनी है, ये चर्चा अब आगे जाने वाली है और आप जिस तरीके से अपनी बात को रख रही है वो देश को पसंद आएगी, चाहे इस बात को कोई नापसंद करे या पसंद करे, लेकिन देश के तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और सब इस वक्त आपके साथ खड़े हैं। फरमानी नाज इस वक्त एक्सक्लूसिवली यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के सामने मौजूद हैं, बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है, और आप कहेंगे कि आज क्या है ऐसी वजह कि फरमानी नाज हमारे बीच में बैठी हुई है, इसलिए क्योंकि इन्होंने जो गीत गाए हैं उसमें शिव भक्ति से जुड़े भी कुछ गीत हैं और उन्हीं पर कुछ उलेमा परेशानी जाहिर कर रहे हैं, उनमें से एक देवबंद के उलेमा है, सुनिए मुफ्ती कासमी क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर। इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज नहीं है, जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरण जायज नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरण जायज़ नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करनी चाहिए। नहीं, इस्लाम से तो खारिज नहीं होते, लेकिन जिस तरीके की हरकत उसने की है, गाना गाया है, इससे उसको गुनाह मिला है, हराम काम किया है, तो हम उसको यही मशवरा देंगे कि हराम काम से परहेज़ करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करे, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ फरमाने वाले हैं, माफ़ फरमा देंगे। और मुफ्ती असद कासमी साहब, मैं आपसे यही इल्तिजा करूँगी कि अभी बहुत ही खूबसूरत गाना फरमानी नाज और उनके भाई फरमान गाने वाले हैं, आप सुनिए, गौर से सुनिए, मौसीकी में किसी तरह की कोई ऐसी बात कहाँ से आ गई कि वो नफ़रत फैला रहा हो या वो अल्लाह की राह में ना हो। फरमानी, मैं चाहती हूँ कि आप एक दो ऐसी लाइनें गाए ताकि मुफ्ती साहब के कानों में थोड़ा शहद घुल जाए। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा जबी अफसुरदा कदम लरजीदा। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह, मैं जानिबे तेबा चला हूँ एक मुजरिम की तरह, मैं जानिबे तेबा नजर शर्मिंदा बदन लरजीदा। मदीने का सफर है और मैं नम दीदा। काश के मुफ्ती कासमी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद होते फरमानी, तो मैं ये सवाल उनसे ज़रूर पूछती कि अब उनके कानों में शहद घुला कि नहीं घुला। बिलाल खान मेरे साथ मौजूद हैं, युवा हैं, अपनी बात रखते हैं और मेरे ख्याल से वकालत की पढ़ाई भी कर रहे हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिलाल, अब इसमें क्या गड़बड़ है मुझे ये बताइए, कैसे ये हराम हो गया? देखिए रूबिका जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मौसीकी का कोई धर्म नहीं होता, हम भी कहते हैं कि मौसीकी का कोई धर्म नहीं होता, और जिस तरीके से इस्लाम के तरीके से देखा जाता है तो वो चीज़ गाने को, चाहे ये गाना गाया हो भक्ति को लेके, चाहे हिंदू देवी देवताओं के लिए या कोई और गाना है, वो हराम ही कहलाया जाता है अगर हम इस्लामिक तरीके से देखें। अच्छा, लेकिन तो अभी तो सऊदी अरब में तो बैन होना चाहिए मौसीकी बैन, ये सब चीज़ें हैं, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो हमारे इस्लाम में जो हमारे इसमें लिखा हुआ वो हराम है, वो है हराम। देखिए ये कोई भी गाना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसके ऊपर विवाद होना चाहिए कि इन्होंने जो है हिंदू देवी देवताओं के लिए जो ये गाया, महात्मा के लिए जो सारी चीज़ें, इस पर नहीं मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो कर रहे थे वो हराम था।
देखिए मैं इस्लाम के हिसाब से भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपने आपकी मैंने शुरुआत ये कहा कि आपने जो कहा मौसीकी का कोई धर्म नहीं होता, मैं इसमें धर्म जाति के, अब इन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से एक नात गाई, मुझे अच्छी लगी। नहीं नहीं, लोगों को अगर उन्होंने वो गाया वो बुरा लगा वो चीज अलग हो गई। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आपने सुना तो आपने भी हराम काम कर दिया। नहीं मैं इस्लाम के तरीके बता रहा हूँ, मैं इस्लाम के हिसाब से जो उन्होंने मुफ्ती साहब ने कहा है कि ये हराम है, इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ। बाकी अभी मौसीकी का कोई धर्म नहीं है, और इस देश के अंदर मोहम्मद रफ़ी जैसे साहब ने जिन्होंने देश के लिए एक से एक बेहतरीन गीत गाए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, कुछ अल्फाजों की बात भी होती है जिसके अंदर। अच्छा नहीं सुनिए, अगर नाद गाए फरमानी नाज तो वो बढ़िया है। नहीं देखिए, और अगर वो भजन कीर्तन वाला कुछ गा दे तो वो खराब है। उसके ऊपर भी ये नहीं होता, देखिए अभी मुफ्ती साहब आएंगे वो बता देंगे, उसके ऊपर भी कुछ लफ्जों के चीजें होती हैं जो हमारे इस्लाम के तरीके से होते हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन अभी जिस तरीके से विवाद उठाया जा रहा, कोई ऐसा इस पे ये नहीं हुआ है कि फतवा जारी कर दिया, वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, उन्होंने विवाद जो उठा, सुनिए उसका उनका पर्सनल ओपिनियन है, जो उन्होंने बोला हराम है सारी चीज। आपने कहा इस्लाम में हराम है, है हराम आपने है। कैसे हराम है मुझे बताइए, बता कहाँ लिखा? कोई भी गाना हो कहाँ लिखा है? ये मैं दिखा दूंगा हदीसों में, आप उनसे पूछ लें जो मुफ्ती हैं जो गाना है वो हराम होता है। क्यों पूछूं? लेकिन आप मैं बता रहा हूँ ना, उनको ज्यादा जानकारी है, लेकिन जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से भी है। लेकिन रूबिका जी यहाँ हम मुद्दा बनाने नहीं बैठे, हम ये कह रहे हैं कि मुद्दा बना रहे हैं आप, नहीं बना रहा हूँ मुद्दा, कहकर मुद्दा बना दिया। मुझे ये बताइए इस्लाम में कहाँ लिखा है? मैं गाना हदीसों में दिखा दूंगा, सारी चीज आपको दिखा दूंगा, लेकिन चीजें मैं तैयारी के साथ आया हूँ, मैं आपको सारी हदीसें दिखा दूंगा। है अपनी बेटी के निकाह में जब वो सफर कर रहे थे तो डफली दी थी, डफली पता है ना आपको, मालूम है मुझे। हाँ तो डफली से क्या होता है? सुनिए क्रिकेट खेलते हैं। नहीं वो क्या होता है, डफली से क्या करते हैं? मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप यहाँ पे मैं कोई मुद्दा बनाने नहीं बैठा, लेकिन जो इस्लाम के तरीके कोई भी सिंपल गाना हो बताइए। लेकिन आप मैं इसका कोई विरोध भी नहीं कर रहा है, यहाँ पर शादी के वक्त जब सफर के लिए निकल रहे थे, वो जब अपने ससुराल के लिए जा रही थी तो उनको डफली दी थी, तो उनको उस डफली से क्या सॉन्ग, वहाँ पे कौन से सॉन्ग बजाए जा रहे थे आप? नहीं, तो वो बात कर रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि डफली बजा के हराम है, वहाँ पे जब गाना हराम है, कुछ वर्ड्स की चीज होती है। अब वर्ड्स की चीज क्या होती है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे उसमें नहीं है, हमारे इस्लाम में नहीं है, जो हदीस में नहीं है, उस चीज की बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ पर आगे कोई मुद्दा बनाने नहीं बैठा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मौसीकी का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। देश के अंदर जो लोग नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, और आपको ना इस्लाम का पता है ना मौसीकी का पता है, मुझे सारा पता है इस्लाम का मौसीकी का सब पता है, लेकिन मैं यहाँ पे मुद्दा बनाने नहीं बैठा, रुक रही हूँ, लेकिन लौटेंगे। आप इस बात को जायज किसी कीमत पर नहीं ठहरा सकते हैं, पीरियड। एक ही सवाल पूछ रही हूँ, फरमानी नास के गाने से किसी को परेशानी क्या हो सकती है? शिव भक्ति में गाए गाने से किसी को दुख कैसे पहुंच सकता है? वो हराम कैसे हो सकता है जो किसी, जो कोई सुन रहा है वो सुनकर भी, एक बार के लिए कहे कि क्या खूबसूरत आवाज है, वो सुनकर भी आसपास पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करे, वो काम हराम कैसे हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फरमानी नाज और उनके भाई फरमान नाज हमारे साथ मौजूद हैं, और बाकी तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अतीकुर रहमान साहब भी, गुलाम सरवर साहब भी, फरमान और फरमानी मैं चाहती हूँ, और निगद अब्बास भी जुड़ी हुई हैं। फरमान और फरमानी मैं चाहती हूँ कि जो कांवड़ियों का एक पूरा जत्था निकलता है, आपके गाने उसमें बड़े सुने जा रहे हैं, इनफैक्ट आपका कोई एक डुएट है, वो कौन जी, सा है जी? घूमूंगी हरिद्वार, जो दोनों बहन भाइयों ने गाया है। आप दोनों ने गाया है घूमूंगी हरिद्वार जी, सुनाइए जरा। पिया जी घूमूंगी हरिद्वार, हरिद्वार पिया जी घूमूंगी हरिद्वार, गैल तेरे चलूंगी मेले में। रेडट जा रेडट जा रेडट जा, बात मेरी तू मान, भीड़ दिखे घणी से मेले में। रेडट जा बात मेरी तू मान, भीड़ दिखे घणी से मेले में। दो साल रही सकताई, पिया इब के कांवड़ आई, माँ गोरा गिल्ला नंदी, भोले ने भांग मंगाई। पिया जी मान लो मेरी बात, पिया जी मान लो मेरी बात, गेल तेरे चलूंगी मेले में। रेडट जा बात मेरी तू मान, भीड़ दिखे घणी से मेले में। रेडट जा बात मेरी तू मान, भीड़ दिखे घणी से मेले में। और एक बार फिर से हर हर शंभु सुना दीजिए, दोनों गा सकते हैं? चलो कोशिश करते हैं। ठीक है कीजिए। कर्पूर गा
संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा शंभु 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 शिवा महादेवा। बहुत खूब बहुत खूब। गुलाम सरवर साहब, इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? मेरी आवाज आ रही है आप तक सरवर साहब? ऐसी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना कि आप एकदम डिस्कनेक्ट हो जाएं सर। यस यस जी जी आ रही है, जी आ रही है। शंभो शिवा महादेवा, इसमें किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? कोई भी दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं है और किसी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, किसी ने फतवे नहीं मांगे। मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि बगैर मांगे जब डॉक्टर दवाई नहीं देता है तो ये मौलाना फतवा कहां से देते हैं? कौन है जिन्होंने इस मौलाना से फतवा मांगा था? दूसरी बात है, क्या मौलाना सब कुछ छोड़कर परमानी नाज का गाना ही सुन रहे हैं क्या, जो उन्होंने फौरन फतवा दे दिया? इट इज ओनली आर्ट, ये कला है। कुदरत ने हर इंसान के अंदर कुछ खूबियां दी है, फरमानी नाज के अंदर भी ये खूबियां हैं। अब सुन लीजिए, जब फरमानी नाज पूरे दौर से गुजर रही थी तब तो इन लोगों का ध्यान नहीं गया, आज कुदरत के दिए उस आवाज और उस खुसूसियत का इस्तेमाल करके अगर शोहरत और दौलत कमा रही है तो किसी को यह हक हासिल नहीं है कि फरमानी नाज पर किसी भी तरह का फतवा लगाए। एक बात। दूसरी बात है, आप अगर भारत में इस देश में आप हैं, ये देश उस्ताद बिस्मिल्ला खान और रस खान का भी है। रस खान कहते हैं कृष्ण भक्ति में कि भजन गाने के खातिर जब कभी रस खान आते हैं, ये मंजर देखने मंदिर में खुद भगवान आते हैं और उस देश को फिरका परस्ती छू नहीं सकती, बनाने राम का मंदिर जहां रहमान आते हैं, ये रस खान देता है। तो भारत को तो अनेकों ऐसे सपूत हुए हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता जिसकी रक्षा ये लोग मंच पे लगाते हैं। गुलाम साहब, लोगों ने हृदय से इस पर काम किया है, कवियों ने किया, शायरों ने किया, कव्वालों ने किया, मुकर्रिरों ने किया, लिखने वाले हमें लिखती है साहब, इस पर कहां से आपत्ति हो रही? गुलाम साहब, मैं आपसे एक बात, मेरा ना बत्तीसी नहीं है लेकिन उसके बावजूद मैं छुपा नहीं पा रही हूँ और मैं फरमानी नाज और आवाज नहीं आ रही आप। नहीं नहीं, सारी आवाज सुनिए तो सही, आज तो सुनिए आप, जो सुनने वाले हैं वो इससे पहले आप कम ही सुने होंगे, लेकिन फरमानी नाज और फरमान मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ। आज आप दोनों की आवाज से ज्यादा मीठी आवाज मुझे सरवर भाई की लग रही है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सरवर भाई को बस सुनती चली जाऊं सुनती चली जाऊं। ये है हिंदुस्तान का मुसलमान, ये है मेरे भारत का मुसलमान, जो कहता है कि देखो सीखो उस्ताद बिस्मिल्ला खान से, कौन मांग रहा है तुमसे राय। मैं आपको 100 बार सलाम करूंगी सरवर साहब, आपने आज मेरा नहीं, आपने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। निगम अब्बास, जो अक्सर आपसे टीवी डिबेट्स में लड़ा करती होंगी, आज वो भी अपनी बत्ती से अगर उनकी है तो छुपा नहीं पा रही है। क्यों निगम? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत आवाज, जरूरी नहीं कि हर जगह हम फरमान और फरमान की है, हमारे माशाल्लाह भी इंतहा खूबसूरत आवाज इन दोनों की है। और रूपिका, मुझे पहली बार पता चला है, मैं अपनी बात यहाँ रखना चाहूंगी, मुझे पहली बार पता चला है कि एक मुसलमान महिला ने, एक मुसलमान लड़की ने ये गाना गाया। और रूपिका, 5.5 महीने की मेरी एक बेटी है जिसका नाम परीजा है, वो इस गाने को बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी खुशी के साथ सुनती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो सुनती है।
कभी मैं आपके साथ वीडियो पर लाइव रहूंगी तो आप देखिएगा, जब मैं उसके सामने ये गाना चलाती हूँ तो बड़े गौर से सुनती है। तो फरमाना जी बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात तो कि मेरी बेटी आपका गाना सुन रही है, 5.5 महीने की है महज, बहुत छोटी है, उसके बावजूद वो उस गाने को बहुत इंजॉय करती, बड़ी शिद्दत के साथ सुनती है और बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल रूबिका जी आपने सही कहा, बहुत जरूरी है कि किस वक्त पर हम क्या बोलते हैं। राजनीतिक विरोध एक अलग होता है लेकिन व्यक्तिगत विरोध एक अलग होता है। आज सरवर भाई ने इस बात को साबित कर दिया कि शायद हम राजनीतिक विरोध तो रखते हैं पर व्यक्तिगत अगर किसी ने कुछ अच्छा काम करा है तो आज हम में उतना दम है, हिंदुस्तानी मुसलमान में इतनी हिम्मत है कि वो आपके सबसे बड़े शो में, एबीपी के सबसे बड़े शो में, देश के सबसे बड़े एंकर के शो में बैठकर ये बात बोल रहे हैं और बड़ी यू नो गुरूर के साथ और बड़ी खुशी के साथ इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फरमानों और फरमान में बेहद टैलेंट है और इस टैलेंट को रोकने वाला अगर कोई है तो वो गलत है। इस टैलेंट को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं बोल दूं अगर इजाजत हो, देवबंदी मौलाना की बात, प्लीज एक सेकंड, मैं जब ये सब चल रहा है निगत निकाल देनी चाहिए, जब ये सब चल रहा है तब मैं पता नहीं मैं अपने आप को बोलने से रोक नहीं पा रही हूँ। आई एम रियली मिसिंग कासमी साहब, मुफ्ती कासमी को यहाँ पर होना चाहिए था ताकि हम बता पाते उनको कि हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोच रखता है, उसका दिल कितना पाक और साफ है, वो आप फरमानी के लफ्ज़ों में जो है वो देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। लेकिन अब मेरे नौजवान साथी को कौन समझाएगा, बिलाल खान को कौन समझाएगा, अतीकुर रहमान साहब आप समझाएंगे? ये कह रहे हैं इस्लाम में ये गाना हराम है। 10 सेकंड रुबिका, एक सवाल है बिलाल भाई से मेरा, एक हाँ बस एक सेकंड गुलाम साहब, एक सेकंड निगत, एक सेकंड बस, मैं आतिकुर रहमान साहब को एक बार इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ। आतिकुर रुबिका जी, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है जो आपने सवाल उठाया है। देखिए हम मुबारकबाद तो दे रहे हैं फरमानी को भी और फरमान साहब को भी मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशी हो रही है कि उनकी इतनी मेहनत रंग लाई है और गुलाम सरवर साहब का भी शुक्रिया अदा आप कर चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होता है, हम अपनी पीठ भले ही थपथपा लें लेकिन ये रूढ़िवादी जो सोच है बिलाल खान साहब, इसको खत्म करने के लिए आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की अब जगह 21st century में नहीं है। हराम आप हर चीज को करार नहीं दे सकते हैं। आज के युवाओं को आप बेड़ी में जितना बांधेंगे, जितनी कोशिश करेंगे वो उतना उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए सक्षम हो चुका है। पर बिलाल खान तो खुद युवा है, इनकी इनकी सोच पता नहीं क्यों रूढ़िवादी हो गई है। नहीं नहीं लेकिन नहीं रूबिका जी, लेकिन इनको हमको समझाना ये पड़ेगा। देखिए कि नमाज और अल्लाह से गाफिल करने वाली चीजों को अवश्य आप अपने लोगों को समझाएं, अल्लाह की याद और नमाज से जो चीज गाफिल कर रही है उसको आप पाबंद कर दीजिए। लेकिन जब तक कि एक मुसलमान अपने 5 basic tenets को अपना रहा है, नमाज कुरान रोजा हज को अपना रहा है, अब आप उसको हराम नहीं करिए। आप उसकी जो जो काबिलियत है, जो उसका फन है, जो उसका हुनर है, उस पर मेहरबानी करके आप पाबंदी नहीं लगाइए। आप अवश्य उसको नमाज की दावत दीजिए। मैं बिल्कुल इनकी आवाज का कायल हूँ, जिस तरीके से इन्होंने गाया बहुत शानदार और बहुत ही उम्दा, मैं कायल हूँ। लेकिन इस्लाम जो है इमोशन से नहीं चलता, नहीं चाहिए ना, नहीं मेरी एक जेब में रखेंगे, मैं दीवाना हूँ, मैं कायल हूँ। अरे तो आवाज की तो बात हो रही है ना, अच्छा गाया है, लेकिन जो इस्लाम की बात चल रही है ना वो इमोशन से नहीं चलता। इस्लाम अच्छी बात है, आप अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, गुलाम सरवर साहब ने बहुत यहाँ पर बहुत शानदार बातें की, अतीकुर साहब ने कहा ये इस्लाम में जो लिखा हुआ है, जो हमारे हदीस में लिखा हुआ है, वो चीज जो उन्होंने मेंशन की है वो अलग चीज है। लेकिन आप इमोशंस को खेल के बहुत, मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ, मैं इनका कोई वो नहीं कर रहा, विरोध करने नहीं बैठा कि इन्होंने गलत कहा ये वो फलाना। मैंने इस्लाम के अकॉर्डिंग उस बात को कहा गया था, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, अकॉर्डिंग टू द इस्लाम मैंने इस बात को कहा था। अगर आप सुनिए इमोशंस के हिसाब से आपके अच्छी चीज है, मैं कह रहा हूँ लॉजिक सुनिए ना, लॉजिक सुनिए। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो काम इन्होंने किया वो हराम, आपने वो काम सुना और आपने उसकी तारीफ की, वो क्या? देखिए मैं एक सवाल मेरा, मैं हाँ बता, नहीं बताइए मत ना, मुझे बस मैं इतना जवाब दे रहा हूँ उसका। आपने जिस तरीके से कहा कि मैं मेरा राइट है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये पूरी देश में जा रहा अच्छी इनके पब्लिसिटी हो रही, सारी चीजें हो रही है, ये इनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर कुछ नौजवान सुनने जब ये कमा फायदेमंद सुनिए, इनको पब्लिसिटी आने जाके के लिए भी हिंदू मुस्लिम एक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी एक्सपोज होंगे इस चीज से। मैं ये भी कह रहा हूँ
वो ऐसे होंगे जो जिस तरीके से इन्होंने फतवा जाहिर करने की बात करी, कोई फतवा जाहिर नहीं हुआ, उन्होंने अपने पर्सनल व्यूज दे दिए कि ऐसे ही है। किसने कहा फतवा? फतवे की बात अभी उठी थी ना, ये फतवा हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा। नहीं, किसने बोला कि फतवा होगा? अरे वो वहाँ के कमेटी के चेयरमैन है ना, उन्होंने कहा कि इस तरीके से माफी मांग लो, उन्होंने कोई फतवे की बात नहीं करी, ना होना चाहिए फतवा, हम भी कह रहे हैं ना कोई ऐसी बात होनी चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पर इनके सामने आकर कहें कि आप ये कर रहे हैं, ये मेरा वो नहीं है। फरमानी ना कुछ पूछना, सुनिए सर, मेरी शादी हसनपुर हुई थी, मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना दुखी किया, इतना परेशान किया, दूसरी लड़कियों से बात की, फिर मेरे घर आने के बाद उससे शादी भी कर ली, तो मैंने उसके लिए कार्रवाई भी की, सब चीज़ किया, मेरा एक छोटा सा बच्चा गोद में जिसे मैं लेके आई, मैं अपने घर पे रही, मैंने इंतज़ार किया, खूब उन्हें समझाया, सबसे मैंने मिन्नतें की, अपनी बिरादरी में भी, अपने जो उनके गाँव के मेन आदमी थे जो प्रधान थे या मुस्लिम थे, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा समझौता करा दो, मेरी बात वो करवा दो, तो मेरी किसी ने कुछ नहीं सुनी, मैं अपने घर पे रही, अपने बच्चे को कैसे भी पाला, मेरा भाई नहर में से रेत निकाल के मेरे बच्चे को खुद दूध का डिब्बा ला के दे देता, तो उस टाइम पे कोई इंसान मेरे पास ऐसा नहीं आया, या ना मेरी बिरादरी का, ना कोई मतलब जो जिम्मेदार लोग होते हैं कि भाई ये लड़की परेशान है, इसकी शादी ऐसे हुई थी, या किसी गाँव के ने भी ये जाके नहीं कहा भाई तुम इसे परेशान क्यों कर रहे या ऐसा क्यों किया। उसके बाद मैंने देखा कुछ दिन में रही घर पे, पता लगा कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मैं वकील के पास गई, मुसलमान वकील हैं, उनसे कहा, कहने लगे कि ये तो जायज़ है, हमारे भाई साथ नहीं, कहा कैसे जायज़ है, जब बीवी है बच्चा है तलाक नहीं हुई क्या, उसमें शादी जायज़ है क्या, ऐसे बताओ, मैंने कितना वो किया कि ऐसे तो जायज़ नहीं है भाई, अगर बीवी मर गई या कुछ हो गया तो शादी कर लो, लेकिन जब बीवी जिंदा है बच्चा है उसका छोटा सा, उसको आज तक वो कभी देखने नहीं आया, मैंने मुकदमा भी किया, केस भी किया, हर जगह मैंने इतनी ठोक रखा, इतनी वो करी कि इनको कुछ तो होना चाहिए, चलो मेरे साथ जो हुआ वो आगे किसी के साथ ना हो, लेकिन उस चीज़ पे अब तक कोई भी कैसा भी कुछ नहीं हुआ। अब वो जिससे मेरी शादी हुई वो अपने ज़िंदगी गुजारा, अपनी शादी भी कर ली, बच्चा भी है उसके, मैं आज भी ऐसी हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चे के लिए गाना शुरू किया, अपने भाई के साथ रह के, जो भूरा ढोलक है, राहुल भाई हैं, सारे अपने मेरे परिवार ने, सब ने मुझे सपोर्ट किया, और अपने गाने पर मैं ये गाने लगी, तो उस टाइम पे कोई भी मेरा साथ नहीं दिया किसी ने भी। आज अगर मैंने भजन गा दिया तो कुछ है जो कह रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि उलेमा कह रहे या कोई मौलाना, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा किसी ने भी, तो इसके पे भी कुछ होना चाहिए कि मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए, मैं इतनी परेशान हूँ, ना मेरा तलाक हुआ और वो इंसान अब भी खुशी से जी रहा अपने जैसे भी उसकी जीमारी कर रहा, अगर मैं कहीं ले कर भी जाते बोलते थे कि ये तो जायज़ है, साथ नहीं का जायज़ है, बताओ ऐसे क्या जायज़ है। हाँ बिलाल खान, इस्लाम आप सिखाइए इस्लाम। देखिए बहन, हम आपके साथ हैं, और अच्छा। जिस तरीके से आपने कहा है सारी चीज़ें, वो उसकी नलायकी है, आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी करी, जो आपने तो अपनी पर्सनल चीजें बताई, इस्लाम नहीं कह रहे, सुनिए ना, सुनिए इस्लाम के लिए बोलते हैं कि हदीस में लिखा है, साथ में ये मैंने बोलते हैं कि हदीस में लिखा है कि साथ में जायज़ है, कैसे जायज़ है, एक सेकंड फरमानी ना, एक बस एक सेकंड दीजिए, तो इस्लाम के लिए, इस्लाम को मानने वाली इस बहन के लिए आप लड़ लीजिए, बिल्कुल लड़ेंगे, मैं तैयार हूँ, मैं लड़ लूंगा केस इनका, मैं लाइफ पर बोलूंगा इनका, फिर ही लड़ूंगा, मेरे अपने खुद सीनियर हैं, हम लड़ेंगे केस, आई अभी मैं इसके बाद आपसे बात करता हूँ, आपकी सारी डिटेल लेता हूँ, और उसके खिलाफ हम जो है अगेंस्ट केस करेंगे, सारी चीज़ आपके साथ रहेंगे, मैं बोल रहा हूँ, मैं साथ खड़ा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं आपसे दिल से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बहन के नाते आपका सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ, और हम सबको अफसोस होना चाहिए, जो बात यहाँ पर और भी लोग पर्सनल चीज़ों पर लेकर आते हैं, उनको भी अफसोस होना चाहिए कि एक बहन मुसलमान बहन के साथ ये सीधी घटना है, उसकी ये चीज़ नहीं देखी गई, कुछ लोगों ने इस तरीके से इसको प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने बहन, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने वो चीज अलग उसमें कही लेकिन थी कि मौसी की क्या अगेंस्ट है, मैं तो मौसी की हो गई होगी, देखिए सुनिए, मैंने इस चीज के लिए वीडियो भी बनाई, न्यूज पे भी कहा सब में आके कि भाई मैं ऐसे परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, चलो उसने दूसरी शादी कर ली तो कम से कम मेरा फैसला ही करो, वो फैसला करने को भी तैयार नहीं, बोले कि तुम ऐसे ही रहो, तुम ऐसे ही रहेंगे, कुछ भी मतलब इसमें इतना सब भी कुछ 19 से 20 भी नहीं हुआ, थोड़ा सजा भी मिली, बात आज आपने एबीपी न्यूज की शो हुंकार में कह दी है, और अब यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि इस्लाम में ये चार शादियां जायज है, ये कहकर औरत को दुख पहुंचाना हराम नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि शिव भक्ति में गाना गा लिया तो वो हराम हो गया। कासमी साहब, अब मैं चाहती हूँ आप आए और अब इस पर जरा अपनी राय सुनाए, मैं चाहती हूं और मैं चैलेंज कर रही हूं मुफ्ती कासमी आपको कि आप इस औरत को जो परेशानी हुई है और जो दिक्कत हुई है, उस वक्त तो आपने किसी तरह का कोई फरमान और अपनी तरफ से कोई राय जिसे बोलते हैं फतवा, वो नहीं आपने सुनाई, अब मुझे वो फतवा चाहिए, अब मैं चाहती हूं कि इस पर आप क्या ज्ञान देंगे। हाँ जी,
यही है मुफ्ती असद कासमी, जिनसे मैं इस वक्त रابطہ करने की कोशिश कर रही हूँ। कासमी साहब, एबीपी न्यूज अगर आप देख रहे हैं तो मैं अब आपका वो राय वाला फतवा जो मौसीकी पर आपने दे दिया है, इनके शिव के गाने पर दे दिया है, ऐसा ही फतवा इस औरत की परेशान जिंदगी पर भी दे दे, मैं जानना चाहती हूँ। अतीकुर रहमान कुछ कहना चाहते हैं और निगत अब्बास भी कुछ कहना चाह रही है। अतीकुर रहमान, नहीं नहीं आतिक भाई, आपने अपनी आवाज म्यूट कर रखी है, अनम्यूट कीजिए और दोबारा कीजिए अपनी बात पूरी। ना, आई कांट हियर यू। नहीं नहीं सर, मैं दुरुस्त कराती हूँ। आतिक भाई, आई कांट हियर यू। निगत, इट्स गॉन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ सर्वर साहब, हाँ अपनी बात कहिए सर्वर साहब। मैं फ्रेम में हूँ कि नहीं? हाँ, आप फुल फ्रेम में सर, पूरी जगह आपने घेर रखी। मैं फ्रेम में हूँ। अरे बिल्कुल है भाई, एकदम पीछे आपका फ्रिज भी दिख रहा है, दो कुर्सियाँ दिख रही है, पंखा भी दिख रहा है, गेट भी दिख रहा है। मैंने शुरू में एक बात कही, मैं रूबिका बहन, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जब फरमा जी 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 ठीक है, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि जब फरमानी नाज को परेशानी थी तब किसी ने फरमानी नाज की मदद के लिए कोई ऐलान, कोई तकरीर, कोई मीटिंग, कोई जलसा, कोई फतवा कुछ नहीं किया। फरमानी नाज ने संघर्ष जो किया है, मैं इंडिविजुअल आपको बता दूं कि अभी फरमानी नाज किसी एक बड़े टीवी शो पर गई थी। अच्छा, तो उस शो पर जब ये गई थी तो मैं पूरी फैमिली उस शो को देख रहा था और मेरी वाइफ ने कहा कि देखिए इसको कहते हैं मुसलमान कि शो में आई है लेकिन सर से दुपट्टा खिसकने नहीं दिए फरमानी ने। यानी संस्कार जो घर का है उसका पूरा का पूरा असर उस शो में रहा। फरमानी नाज ने बहुत मेंटेन किया है उस गुर्बत में भी, उस मुफलिसी में भी, बेसहारा होने के बावजूद भी। सर्वर साहब ऐसा मत कहिए ना, एक्सटर्नल में देख रहा हूँ, इंटरनल में नहीं जानता हूँ। तो आपकी बीवी को देख रहा हूँ, तो आपकी बीवी को हम पसंद नहीं आए होंगे। बैठी है तो सर पर दुपट्टा इनके रखा हुआ है। तो अब कल से मैं सर पे दुपट्टा ओढ़ के आऊंगी तभी आपकी बीवी को पसंद आऊंगी, ऐसा मत कहिए सर्वर साहब। भाभी से ये कहिए कि हमें भी पसंद कर ले, मुश्किल हो जाएगी ना। मैं कोट वोट पे दुपट्टा वगैरह पहन करूंगी, ये गलत बात है। नहीं नहीं, मैं भी इस्लाम उतना ही फॉलो करती हूँ भाई। या ये कहिए फरमानी नाज से मैं दुपट्टा आधा मांगी, तब जाकर आप कहेंगे कि नहीं ये पक्की वाली मुसलमान है, ऐसा मत कीजिए ना। मैं उस भाव के ऊपर आपको ले जाना चाहता हूँ। अरे पर उस भाव में हमारे भाव कम हो गए ना। मैंने ये मिसाल इसलिए दी कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक जो खानदानी मामला आता है, लोग कहते हैं उसमें कहीं भी फरमानी नाज ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो अब खामखा, अरे हजारों मुद्दे हैं, आपको अवेयर करना है, आपको जगाना है, आपको सही रास्ते पर लाना है, तो उस पर आपका इसलिए नहीं रखूंगी। तो फिर ईरान की कोई भी महिला जो आज अपने सर से दुपट्टा उठाकर फेंक रही है वो खानदानी नहीं हुई। ईरान में आप ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि वहाँ इस चीज को लेकर बतौर रेवोल्यूशन शुरू हो गया है। सावन का ये सोमवार और हमारे साथ वो खूबसूरत आवाज है जिसका नाम फरमानी नाज है, वो खूबसूरत आवाज है जिसे एक आध उलेमा जो है वो इस्लाम में हराम बता रहे हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इस वक्त फरमानी नाज को पसंद कर रहा है। कावड़ यात्राओं में सबसे ज्यादा अगर कोई गाना सुनाई दे रहा है या किसी की आवाज़ वो खनकदार आवाज़ सुनाई दे रही है तो वो फरमानी नाज और उनके भाई फरमान की है। और आप जानते हैं दोनों ही भाई बहन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि अभी जो इस वक्त आप सात अलग अलग ये बॉक्सेस देख रहे हैं उनमें से हर कोई इस बात से आज अग्री कर रहा है कि फरमानी नाज ऐसा कोई काम नहीं कर रही जो हराम है। और हम कासमी साहब की, मुफ्ती कासमी की किसी बात से अग्री नहीं करते हैं। और ये कहने वाले, वो जो मैं आपको विंडोज दिखा रही थी उसमें ज्यादातर मुसलमान हैं।
लेकिन शुरुआत हम उसी खूबसूरत भजन से करना चाहेंगे, या फिर ऐसा कोई भजन जो आप लोगों ने गाया हो, फरमान फरमाना। ना घोटो तेरी भांग दिखे ले पड़ाया कुंडी सोटा, पड़ाया कुंडी सोटा तेरी गिल्ला ब्याह करवा के बोले हो गया से दुख मोटा, तेरी गिल्ला ब्याह करवा के बोले हो गया से दुख मोटा, हो गया से दुख मोटा। तू रुस्या ना कर गोरा तेरी सारी विष पुगा दूं, तू रुस्या ना कर गोरा तेरी सारी रिस पुगा दूं, कांवड़ का मेला लग रहा चल हरिद्वार की शैर करा दूं, कांवड़ का मेला लग रहा चल हरिद्वार की शैर करा दूं। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक बार फिर से वो हर हर गंगे हो जाए दोनों भाई बहन। सानंद मानंद धवने वसंतम आनंद कंदम हिद पापा वृंदम वाराणसी नाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपादे हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा, शंभु 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 शिवा महादेवा। ये गाने वाला कोई और नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान है। एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, और आवाज देखिए आप कि दिल करे बस गाते चले जाए, गुनगुनाते चले जाए, और हम भी हर हर शंभो हर हर शंभो इसी तरीके से इनकी आवाज में आवाज बुलंद करते चले जाए। यही हिंदुस्तान की एकता है कि एक हिंदू त्योहार में गाना बजे एक मुसलमान द्वारा गाया हुआ। यही हिंदुस्तान है कि अगर ईद हो तो बधाई सबसे पहले आपके घर कोई हिंदू आकर दे। अभी वो वक्त आ गया है कि पूरा मुसलमान हिंदुस्तान का वो कौम खड़ी हो जाए फरमानी नाज के साथ, फरमान के साथ। क्योंकि जब उनको दिक्कत हो रही थी, जैसा गुलाम सरवर कह रहे थे, जब फरमानी नाज अपनी जिंदगी के लिए अपने छोटे से बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तब कोई उलेमा आकर खड़ा नहीं हुआ, तब किसी मुफ्ती ने कोई ऐसी राय ऐसी बात नहीं की कि आओ फरमानी इस्लाम की तुम बेटी हो, तुम्हारे साथ इस्लाम खड़ा है, मैं खड़ा हूं। लेकिन जैसे ही वो सक्सेस पाती है, जैसे ही उसके गाने गली मोहल्ले में बजने लगते हैं, तो आंखों को खटक जाती है फरमानी और कहा जाता है कि ये तो इस्लाम में हराम है। निगत रुबिका जी, हम इनके गाने की तो तारीफ कर ही रहे हैं, पर आज हमें अगर तारीफ करनी चाहिए तो इन महिला की, फरमानी जी की हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए, इसकी दाद देनी चाहिए। क्योंकि बेहद मुश्किल होता है कि एक छोटे बच्चे के साथ, एक सिंगल मदर होने के बावजूद आप अपने बच्चे को पाल रहे हो, साथ ही साथ अपना नाम अपना शोहरत कमा रहे हो, ये करना आसान नहीं है। आज अगर कोई सच्चा मुसलमान इसके खिलाफ बोल रहा है, इस चीज की मुखालिफत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने गरबान में झांकने की जरूरत है। क्योंकि जैसे बिलाल जी ने कह दिया बड़ी आसानी से कि इस्लाम इमोशन के साथ नहीं चलता, बिलाल भाई बड़ी गलत बात आज आपने कह दी, इस्लाम बिल्कुल इमोशन के साथ चलता है। और यही वजह है कि आज जो पैनल पर व्यक्तिगत विरोध नहीं कर रहा है कोई, यहाँ पर राजनीतिक विरोध करने वाले, एक दूसरे के ऊपर गुहार लगाने वाले, अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों से आने वाले लोग आज इस लड़की के साथ खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि फरमानी जी ने अपनी हिम्मत को दिखाया है, अपनी बच्चे को पाल रही है, अपना काम कर रही है और साथ ही साथ अपना नाम कमा रही है। अब आ जाते हैं रुपिका जी, एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहती हूँ बिलाल भाई से। इन्होंने कह दिया सबसे पहले इन्होंने बात बिलाल खान और निगत अब्बास, ये जो काम है ना जो फरमानी जी कर रही है वो हराम है। मैं बिलाल जी से पूछना चाहती हूँ कि जब आप ये कह देते हैं कि जो फरमानी जी कर रही है या फरमान जो कर रहे हैं वो हराम है, तो मुझे आज आप ये बात बताइए आप किस हैसियत के साथ टीवी पर बैठे हैं। क्योंकि जहां तक इन हदीसों की बात है, इन मुट्ठी भर मौलानाओं की बात है, ये हराम कर रही है। पहले तो अल्फाज सही करें, ये नहीं कहा निगत जी, आप गलत उसको उसमें लेकर जा रही हैं, दूसरा नैरेटिव चला रही हैं, मैंने ये नहीं कहा। और यहाँ जितने पैनल में बैठे हैं उन्होंने किसी ने इनका विरोध नहीं किया है।
उनका कोई सुनिए पर्सनल कोई विरोध नहीं किया गया है और यहाँ बैठकर आप इसको मुद्दा ना बनाए ना हम मुद्दा बनने देंगे। हमने जो इनकी कहानी सुनी हमने सबसे पहले कहा हम इनका केस लड़ेंगे और हम इनके दुख दर्द के साथ हैं और हमेशा रहेंगे और आज मैं इनका नंबर भी लेकर जाऊंगा इसी वजह से जो हमारी टीम है एडवोकेट की अल्हम्दुलिल्लाह इनका केस भी लड़ेगी इनके साथ भी रहेगी। आप अपने हिसाब से सारी चीज नहीं बोल सकती। एक दोनों एक साथ मत बोलिए मैं 30 सेकंड का टाइमर दे रही हूं। चला कि फरमान जी ने गाना गाया जब आपको यही पता है कि टीवी देखना हराम है और टीवी में गाना सुनना हराम है गाना हराम है तो फरमानी जी के बारे में कैसे पता चला और पता चल गया आप टीवी पर आ गए जब टीवी पर आ गए। ये बात नहीं है सुनिए ये इनका और इनके अल्लाह के बीच का मामला मैं कोई इसमें इंटरफेयर करने वाला नहीं हूँ ना कोई इसमें मुफ्ती इंटरफेयर करेगा ना कोई फतवे देने वाला इंटरफेयर करेगा। और सुनिए मैंने कोई इन पर पर्सनल नहीं किया आप इसको मुद्दे को ना भटकाएं जी आप अपनी अपनी चीजें आज बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से डिबेट सारी चीजें अच्छी चल रही है कोई इसको कोई इधर उधर नहीं घूम रहा है इनको विरोध कर रहा है चिल्लम चाटी कर रहा है आज यहाँ शो के अंदर चिल्लम चाटी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल बात उनके साथ खड़े उन्होंने अपनी बात बताई जो उनके साथ दुख दर्द हुआ उनके हस्बैंड की कहानी हमने सुनी हमारे दिल से दर्द हुआ उनके साथ है उसके बाद देखा तो दुख दर्द ओके निगद अब्बास और वकील साहब बिलाल खान और निगद अब्बास एक बस एक चूंकि आपने टीवी का जिक्र कर दिया एक तो मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि उन जमानों में जब ये फतवे फरमान जारी हुआ करते थे तब टीवी तो था नहीं तो ये आ कहाँ से गया कि टीवी हराम है टीवी पर आना हराम है टीवी पर जाना हराम है। तो मतलब कई तो ऐसे खेल होते हैं कि हम भी नहीं समझ पाते हैं बस इस्लाम के नाम पर फैला दिए जाते हैं फोटो खींचना हराम है तो भाई तुम हज जाने के लिए जो पासपोर्ट बनाते हो तो उसमें अपना फोटो कैसे चिपका देते हो ये बता दो। ये ऐसी ऐसी बातें ऐसी ऐसी गफलत इन लोगों ने फैला रखी है जिसकी हद नहीं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज अतीक भाई की गुलाम सरवर आपकी और वैसे भी बिलाल भाई आपने भले ही इस बात को लेकर क्योंकि वकील साहब है भाई आपको केस लड़ना है तो आपने एक लाइन और लेंथ ले ही ली थी लेकिन मैं भी जानती हूँ कि दिल से आप इनकी आवाज़ पसंद करते हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे ये हराम वराम के चक्कर में आप नहीं पड़ने वाले एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और हमने एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को ये वादा किया है कि हम ऐसा कोई भी सिर्फ दिखने वाला मौलवी नहीं बिठा देंगे कि हमें चाहिए कि वो जो है फरमानी नास का यहाँ पर बैठ के विरोध करे और फिर हम कहेंगे कि तुम इस्लाम के नाम पर गड़बड़ी कर रही हो नहीं हम बहुत ईमानदारी से डिबेट करेंगे और वो चेहरे आपको आज दिखाई दे रहे हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ वक्त नहीं है लेकिन फरमानी नास जाते जाते एक बार फिर से मैं चाहूँगी हर हर शंभु सुन लूँ फिर आपसे कब मुलाकात हो। हालांकि बिलाल भाई आपके लिए केस लड़ेंगे ये उन्होंने वादा किया है कोई कमी पूरी करनी होगी तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। अब उसी गाने के साथ शुक्रिया जुड़ने के लिए हम इजाज़त लेते हैं सबसे। कर्पूरं गौरं करुणावदारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा शंभु 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 शिवा महादेवा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।